Morning, S.st. students. I am Mandeep, your S.st. teacher from S.st. NS 9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start chapter history, the French Revolution, भी फ्रांस की क्रांति. बेटे आज हम इसकी पहले इंट्रो करेंगे कि फ्रांस क्रांति क्या थी. इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. मतलब पहले क्या हमें एक इवेंट को पढ़ना है, उसके बाद उस इवेंट के बाद ही क्या होती है हमारी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है. वो इवेंट क्या था, व्हाट हैपेंड एंड हाउ, उस इवेंट में क्या चीज़ें घटित हुई थी और कैसे हुई थी. तो यहाँ पर एक पेरिस शहर है, पेरिस में क्या होता है, एक फोर्ट है, फोर्ट जिसको हम किला बोलते हैं, और वहाँ के जो राजा का नाम है लू 16, जो किले का वो किला कौन सा था, बेस्टाइल फोर्ट. तो उस पर क्या होता है, लोगों ने क्या हमला कर देते हैं. तो ये एक यही इवेंट है कि जो लोग उस पर क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं. तो लोगों ने उस पर बेस्टाइल फोर्ट पर हमला क्यों किया, तो जो ये हमला था गलत फहमी में हुआ था. तो वो कैसे, कि वो समय जो फ्रांस में क्या सिचुएशन चल रही थी कि राजा को अपनी सेना को ऑर्डर देना पड़ा कि आप पेरिस शहर में चले जाओ. अब लोगों ने सोचा कि जब सेना पेरिस में लोगों देखा कि सेना को, तो वहाँ के लोगों ने क्या परसीव किया, मतलब अपने आप ही क्या सोचने लग गए कि जो ये सेना है ये हमें क्या डराने और धमकाने आई है. तो उस डर से लोगों ने क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया. तो लगभग 7,000 लोग इकट्ठा हो गए और वो सोचते हैं कि सेना आ गई है, अब इस सेना से हमें लड़ना पड़ेगा. तो लड़ने के लिए देखो बेटे हथियार भी चाहिए होते हैं. तो लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग पर हमला करना स्टार्ट कर दिया. उनको लगा कि उन गवर्नमेंट जो ऑफिस और बिल्डिंग से उन्हें वहाँ से क्या हथियार मिल जाएंगे, मतलब क्या है, लोग प्रज्यूम कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, जो लोग थे उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट के किले पर भी वो क्या पहुँच जाते हैं, वह सोचते हैं क्या पता इस किले में क्या पता हथियार हों. तो बेस्टाइल फोर्ट में एक जेल है, बेस्टाइल के नाम से क्या जेल है. तो लोगों ने क्या उसके ऊपर भी हमला कर दिया, उनको लगा कि इस जेल में क्या हथियार छुपे हो सकते हैं. जेल पर जब हमला किया गया तो जो वहाँ पर लोग बंदी थे उनको उन्होंने क्या छुड़वा दिया. अब हम आप सोच लो कि पता नहीं कितने लोग थे जो उस प्रिजन से क्या छूट गए, वहाँ मात्र क्या 7 लोग थे, उन लोगों को उन्होंने क्या छुड़वा दिया. और जो उस जेल के कमांडर थे, तो जेल के जो कमांडर थे उनको उन्होंने मार दिया, क्योंकि इतने लोगों का इतना क्राउड होएगा तो अब नेचुरल है कि उन्होंने मतलब वो आराम मतलब जो कमांडर है वो इजीली मर गए उनसे, क्योंकि क्राउड में क्या इतनी भीड़ भाड़ होती है और कमांडर को डेथ हो जाती है. तो उसके बाद क्या होता है, डेमोलिशिंग ऑफ फोर्ट्रेस बेस्टाइल. तो उन्होंने जो बेस्टाइल फोर्ट है उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि जो बेस्टाइल फोर्ट है उसको क्यों तोड़ा गया, मतलब क्या रीज़न थे. एग्जाम्पल है जैसे बेटे मैं आपको बताती हूँ, आपकी दुश्मनी है मतलब किसी अंकल के साथ, तो उनकी क्या गाड़ी बाहर खड़ी है, तो आप देखो अंकल को तो मान नहीं सकते, आप क्या करते उनकी गाड़ी को मतलब तोड़ देते हो अच्छे से, तो उसे क्या आपको संतुष्टि मिलेगी कि मैंने क्या उसकी गाड़ी को तोड़ दिया. तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो राजा था, जो लोग थे उससे क्या परेशान थे, और जो बेस्टाइल फोर्ट था वो किसका था, वो राजा की प्रॉपर्टी थी. तो क्या किया उन्होंने, इसको अच्छे से क्या डेमोलिशिंग ऑफ फोर्ट अच्छी तरह से क्या है नष्ट कर दिया, अच्छे से तोड़ फोड़ दिया. तो अपना गुस्सा उन्होंने किसके पर निकाला, उसके राजा के ऊपर गुस्सा था, तभी उन्होंने फोर्ट को क्या है तोड़ दिया था. अब जब लोगों ने हमला किया, जब इस प्रकार से हमला करने लगे लोग, तो देखो राजा तो रिएक्ट करेगा ही करेगा. राजा ने पुलिस को क्या ऑर्डर दिया कि जो लोग दंगे कर रहे हैं उनको कंट्रोल करो. अब ये सारी चीज़ें बेटे कहाँ पर हो रही थी, ये सारी चीज़ें हमारी हो रही थी फ्रांस में. अब उसके अब बाद हम अब नेक्स्ट कर रहे हैं बेटे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट ऑफ 18th सेंचुरी, कि जो फ्रेंच सोसाइटी किस टाइप की थी 18th सेंचुरी में. अब देखो फ्रेंच सोसाइटी वाज मेनली फ्यूडल सोसाइटी. अब फ्यूडल बेटे सोसाइटी क्या होती है, ये फ्यूडल सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी का मतलब है कि मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ पर एक राजा होता है या एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड होता है, उनके पास क्या बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होती है. तो वो इंसान क्या करते हैं अपने अंडर क्या बहुत सारे पीजेंट्स रखते हैं, मतलब वो पीजेंट इसलिए रखते हैं कि वो उनकी जो क्या उनकी खेती कर सके, उनकी ज़मीन पर खेती कर सके. तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको अपनी ज़मीन देंगे, आप इस पर खेती करो और उससे जो कमाई होती है वो भी क्या हमें दो.
क्योंकि उनकी ज़मीन पर खेती भी कर रहे हैं और जो पैसा भी कमा रहे हैं वो भी क्या उन्हीं को दे रहे हैं, तो वो जो पैसा उन्हीं से वो टैक्स के रूप में वापस ले लेते थे कि हमारी ज़मीन पर खेती करके हमें ही जो कमाई होती है वो हमें ही दो। तो इसको क्या ओल्ड रेजमी भी बोला जाता है, मतलब 1789 से पहले इसको ये वर्ड बोला जाता था इसके लिए ओल्ड रेजमी फ्यूडल सोसाइटी को। अब इसमें बेटे जो सोसाइटी थी फ्रेंच सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स, इसको क्या थ्री स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते हैं, क्लर्जी। क्लर्जी लोग कौन से होते हैं, जो कि चर्च की जो चर्च की देख रेख करते हैं, उनकी जो पावर होती है चर्च की वो इन लोगों के हाथ में होती है। सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी लोग कौन से होते हैं कि वह सारे राजा महाराजा उनके रिश्तेदार सभी इसी में वो नोबिलिटी में आते हैं। थर्ड स्टेट में आता है बेटे हमारे पीजेंट्स मर्चेंट लेबर्स एटसेट्रा, ये सभी लोग क्या आते हैं हमारी थर्ड स्टेट में आते हैं। तो बेटे इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हैं, आपने फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।